hello my dear friend i hope you are doing great welcome to my channel if you have not subscribed it please subscribe it press the bell icon hit the like button also let's get started beginning with the 14th video of the history as you know we have already covered 13 video of the history if you have not watched please visit all of that that will boost your confidence regarding competitive labels of the history and i have created so many playlists मीन्स आई एम कवरिंग ऑल द यू पी एस सी सिलेबस ऑन माई प्लेटफॉर्म इफ यू हाउ नॉट वॉच बिल इज विजिट ऑल ऑफ दैट इवन आई एम प्रोवाइडिंग ऑल द डाटा विद इन द फ्री अमाउंट एंड फॉर यूअर इंफॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग द डाटा फ्रॉम द प्रमिनेंट इंस्टीट्यूशन एंड दैट कैन बी वेरी प्रोपिचियस फॉर योर कम्पिटेटिव एग्जाम ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी स्टार्ट करते हैं कंसी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अश्वनी कुमार दत्ता ये एक फ्रीडम फाइटर टाइप में थे तो इनके बारे में अश्विनी कुमार दत्ता के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट है ही ऑर्गेनाइज स्वदेश बान्धव समिति ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट के दौरान स्वदेश बान्धव समिति इन्होंने बनाई थी क्या ऑर्गेनाइज की थी सेकेंड वन इज ही प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द दस्टेसम्बली ऑफ द न्यूज़ पेपर बारी साल हिताशाही तो क्या इन्होंने जो न्यूज़पेपर पेपर बारी साल हिताशाही में एक इम्पोर्टेंट रोल इंस्ट्रूमेंटल रोल निभाया था इस्टेब्लिश करने में थर्ड वन इज़ ही यूज मैजिक लान लेक्चर जादुई लालटेन जो हम लाइट के लिए यूज करते हैं पुराने टाइम में यूज करते थे टू रेज पीपल पोलिटिकल कंसाइसनेस जो पोलिटिकल कंसाइसनेस मतलब उनका दिमाग जगाने के लिए क्या उन्होंने मैजिकल लाइन कविता का लेक्चर का सहारा लिया था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए सात की सात अटैम्प्ट करते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एग्जामिनेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ए है फर्स्ट एंड सेकेंड बी है सेकेंड सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो इसका सोल्यूशन डी है तीनों ही ठीक हैं अश्विनी कुमार दत्ता के बारे में पढ़ लेते हैं अश्विनी कुमार दत्ता जी वाज ए नेशनलिस्ट लीडर वो एक राष्ट्रीयता के नेता थे फिलंथ्रोफिस प्रोपकारी थे हू केम टू बी एन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ये प्रोमिनेंट मुख्य आदमी में आए थे ही वॉज कनेक्टेड विद एंटरप्राइज लाइक स्वदेशी बैंक हिंदुस्तानी कोऑपरेटिव इंश्योरेंस या कोऑपरेटिव नेविगेशन लिमिटेड से ये संस्था से रिलेटेड थे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ही ऑर्गेनाइज स्वदेश बंधव समिति ड्यूरिंग दि स्वदेशी मूवमेंट इन्होंने स्वदेश बांधव समिति बनाई थीड टू मोर देन फिफ्टी नाइन ब्रांचेज अक्रॉस बंगाल इट वॉज बैन बाई दिन जीरो बारिश का नाम है उन्होंने वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया था उनको तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है ही प्लेड एंड इंस्ट्रूमेंट रोल इन दैटिंग अप बारिशाल हिता शाही न्यूज पेपर एज द माउथ पीस ऑफ दवदेश बांधव समिति मतलब स्वदेश बांधव समिति इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी एस्टैब्लिश की थी उनके साथ में सहारा लगा था बारी साल बारिशाल बारी साल जगह का नाम है हितशाही उसका हित हितसाने वाला न्यूज़पेपर बना दिया था उनमें बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल निभाया था इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है अश्वनी कुमार दूता यूज मैजिकल लांटेन लेक्चर टू रेज पॉलिटिकल कंसाइसेंस ऑफ द पीपल थ्रू दी स्वदेश बांधव समिति उन्होंने ये मैजिकल लालटेन लेक्चर यूज़ किए थे तो इसमें के बारे में हमें क्या पता चला इस क्वेश्चन से क्वेश्चन से तीन बातें पता चली कि जो अश्विनी कुमार दत्ता जी थे एक नेशनलिस्ट लीडर थे मतलब ये एक समाज में जो नेशनल मतलब राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करने वाले एक नेता थे इनका क्या काम था इन्होंने एक बांधव समिति बनाई जो स्वदेश बांधव समिति का क्या काम था कि लोगों में पोलिटिकल कंसाइसनेसनेस लाना मतलब जो जैसे हमारी सरकार चलती है उनके बारे में जानकारी देना उन्होंने मैजिकल जो लालटेन लेक्चर यूज किए उनको आदमी के कॉन्साइंस जगाने के लिए और उन्होंने न्यूज़पेपर जो जगह का नाम था न्यूज़पेपर की भी उन्होंने उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाया बारिशाल हितेश समाचार पत्र नाम था उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ई संजीवनी सर्विस ई संजीवनी सर्विस के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है फर्स्ट वन है इट इज़ ए वेब बेस्ड कम्प्रहेंसिव टेली मेडिशन मतलब एक वेब जैसे वेबसाइट यूज करते हैं कंप्रहेंसिव बेस है टोटली उसी के लिए टेली मेडिसन सोलूशन टू एक्सटेंड द रीच ऑफ हेल्थ केयर सर्विस टू द रूरल मासिस हेल्थ केयर सर्विस जो है गांव रूरल मासीज जो गांव में है आदमी उनके लिए पहुंचाने के लिए है क्या सेकेंड वन है इट इज एन इनिशिएटिव बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का थर्ड है इट हैज ऑफ़ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जनप्रियोजना पी तो पीएमजे योजना के अंडर के चलाई गई है क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट एंड थर्ड बी है फर्स्ट एंड सेकंड सी है सेकंड एंड थर्ड डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो इसका सॉल्यूशन बी है जैसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने अनाउंस किया था नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस टेलीमेडिसर्टी थर्टी, थर्टी लैख कंसल्टेशन मतलब तीस लाख आदमियों को सलाह दे चुके हैं ये फार सो फार अब तक सो फार विद विध तमिलनाडु एंड गुजरात अमंग दिलिटी मतलब तमिलनाडु और गुजरात में टॉप सर्विस दी गई है दस स्टेट्स में से ये दोनों स्टेट टॉप में हैं टॉप टेन में हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ई संजीवनी क्या है वेब बेस्ड कंप्रेंसिव टेलीमेडिसिन सोल्यूशन है कि आदमी को मेडिसिन बताना है कोरोना काल में भी जैसे इट एक्सटें इज द स्पेशलाइज हेल्थ केयर सर्विस टू इन द रूरल एंड आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ जो आइसोलेटेड हैं बिल्कुल समाज से दूर रहते हैं उन कम्युनिटीज़ में पहुँचे रूरल मेडिसिन में टेली मेडिसिन के थ्रू आप उसमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसको ई संजीवनी संजीवनी संजीव जैसे बजरंग बली अपने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे उससे ही आप याद रख सकते हैं ई संजीवनी आदमी को बचाने के लिए टेली मेडिसिन का प्रोग्राम है वेब बेस्ड सर्विसेज है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये इम्प्लीमेंटेशन में लिया था और आज तक तीस लाख आदमियों को कंसल्टेशन दे चुके हैं जिनमें से तमिलनाडु और गुजरात के आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेशन ले चुके हैं तो ये डिजिटल डिवाइड के जो मान लो एक पैसे वाला आदमी है उसके पास मोबाइल है नेट है सब कुछ है जो गरीब आदमी है उसके पास नेट है और कुछ फैसिलिटी नहीं है नेट वगैरह नहीं है तो उसको डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर सी एस सी बोलते हैं ना कॉमन सर्विस सेंटर लोकल एरिया में बने होते हैं तो उनके थ्रू प्रोवाइड की गई है ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है ई संजीवनी इज ए डॉक्टर पेशेंट टेलीमेडिसिन सिस्टम दैट हैज़ बिन डिप्लॉयड नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये मैंने पहले का और कुछ कहा थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इट हैज़ बिन लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधान जो आयुष्मान भारत जैसे पाँच लाख का इंश्योरेंस मिलता उसको है उसको आयुष्मान भारत स्कीम बोलते हैं उसके अंडर बनाई गई है प्रधानमंत्री जन भारतीय जन औषधि परियोजना ऑब्जेक्टिव टू तो मेक क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल टू अफोर्डेबल प्राइस तो वो जेनरिक मेडिसिन को अफोर्डेबल प्राइस में जन औषधि के अंदर खोले गए हैं वो अलग चीज़ है पर्टिकुलर फॉर द पुअर एंड डिसएडवांटेजेज पीपल सो फार रिड्यूस टू आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है बहुत बंदे बीपीएल की कैटेगरी से नीचे आ जाते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन दी हेल्थ सर्विस करने के लिए तभी हम मतलब हमारी देश में कई बार कई बार बोला जाता है यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लेके आओ जिससे क्या बंदे बी फैमिली में कम जाएंगे हेल्थ सर्विस फ्री होंगी तो बंदे का हेल्थ और एजुकेशन फ्री हो जाए ना तो देश बहुत आगे चला जाएगा क्योंकि जो जिनके पेरेंट्स ने मजदूरी की है या खेत में काम किया है तो उनके बच्चे भी ऐसे ही अगर एजुकेशन अच्छी मिल जाए हेल्थ अच्छी मिल जाए तो वो ग्रो कर जाएंगे वहां से नहीं तो और कोई अल्टरनेट उनके पास नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन आर नॉट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड ये कमीशन के बारे में बात की गई है जो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन का डेवलपमेंट किया ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेजों के टाइम पे ब्रिटिशर के टाइम पे कौन कौन से थे जैसे एचुकेशन कमीशन फर्स्ट है एचुकेशन कमीशन सेकेंड है फ्रेजर कमीशन थर्ड है रिलिक कमीशन और फोर्थ है विटली कमीशन तो कौन सा आंसर करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए एजुकेशन के लिए कौन से कमीशन ने काम किया था किस में कुछ प्रोविजन बनाए गए थे ए है फर्स्ट एंड सेकंड बी है फर्स्ट एंड थर्ड सी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ और डी है सेकंड थर्ड फोर्थ तो इसका सॉल्यूशन सी है इसमें आप ये ध्यान से देखो कि ये बता पूछा गया कि कौन सा नहीं है इसमें देखो इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए मतलब ये पूछा गया देखो क्वेश्चन में विच ऑफ दी फ़ॉलोइंग कमीशन आर नोट इसलिए हमें इसको पहले से ही मार्क कर लेना है कि कौन सा पूछा गया कि नोट पूछा गया कि एजुकेशन के लिए किसने ने काम नहीं किया था ब्रिटिश पीरियड में नोट पूछा गया तो ए, इसका आप अपना आंसर मार्क कीजिए इसका आंसर सी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ नहीं है मतलब ये इनकरेक्ट है एचिशन कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं इनकरेक्ट है बट इससे हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकाल लें जिससे हमें आगे जाने वाले क्वेश्चन में हमें हेल्प मिलेगी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो एचिशन कमीशन के बारे में आ जाएगा ऐसे ही अलग कमी रिले कमीशन के बारे में आ जाएगा विटले कमीशन के बारे में आ जाएगा तो वही पढ़ना हमें क्या होता है एजुकेशन कमीशन क्या था ये पब्लिक सर्विस कमीशन था जैसे यूपीएससी बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस वैसे ही एचिशन कमीशन था कमीशन क्या होता है कुछ आदमी इकट्ठा हो गए कुछ डिसाइड करते हैं कमेटी टाइप कमीशन होता है तो उसको बोलते हैं कमीशन वॉट सेटअप इन 1886 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सर चार्ल्स ओमफर्सटन एचन मतलब एचिसन नाम याद रखो इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है टू कम अप विद द स्कीम फॉर फुलफिलिंग द क्लेम्स ऑफ द इंडियन टू हायर एंड मोर एक्सटेंसिव इंप्लीमेंट इन द पब्लिक सर्विस मतलब जो हायर सर्विस में है उनमें एक्सटेंसिव बिल्कुल पब्लिक सर्विस में उनका योगदान बढ़ना चाहिए इंडियंस का यही एचिसन कमीशन है अठारह में आता है जो सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि उन्नीस सौ दो उन्नीस सौ तीन में ए पुलिस कमीशन वॉज एस्टेब्लिश फॉर द पुलिस रिफॉर्म्स अंडर सर एंड्र्यू फ्रेजन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन जैसे जिसने बंगाल का विभाजन किया था उन्नीस सौ पाँच के आसपास है तो आप याद रखोगे उन्नीस सौ दो में ये कमीशन आया था जिसका सर एंड्र्यू फ्रेजर फ्रेजर कमीशन बोलते हैं पुलिस पुलिस के कार्यों में सुधार लाने के लिए क्योंकि पुलिस एक्सेस ज़्यादा था मतलब पुलिस ज़्यादा ज़्यादा आदमियों पे कंट्रोल रखती थी वो ब्रूटलिटी का सहारा लेती थी वो अत्याचार करती थी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है इसका मतलब राइट आंसर ये है कि जो एजुकेशन के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा अपॉइंटमेंट रेलिक कमीशन रेलिक कमीशन अंडर सर थॉमस रेलिक नाम था 1902 जीरो टू विदिया ऑफ ब्रिंग यूनिवर्सिटी अंडर कंट्रोल जितनी भी यूनिवर्सिटी उनको कंट्रोल मिले इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास इन नाइनटीन बेस्ड ऑन इट्स रिकमेंडेशन तो इन्हें रेलिक कमीशन ने किया था ये काम विटले कमीशन भी इनकरेक्ट है क्योंकि विटले कमीशन के बारे में जान लेते हैं क्या था ये रॉयल कमीशन ऑफ द लेबर वॉज ए रॉयल कमीशन सेटअप इन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन टू इनके इन्वेस्टिगेट वर्किंग कंडीशन ऑफ द प्लांटेशन लेबर इन द इंडिया जो मतलब टी प्लांटेशन में काम करते हैं उनके कंडीशन के बारे में जानने के लिए विटली कमिटीशन आता ये जैसे ही कमेटी है और कमीशन वैसा ही होता है जिसमें कोई प्रोमिनंट आदमी रहता है उसी के नाम पर कमीशन रख देते हैं जैसे आज भी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोर कमेटी सेटअप ज्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिलेटेड टू तो द अफेयर्स सोर कमेटी किससे बिलोंग करती थी ये है जो प्रेस एक्ट ऑफ 1910 या कोमागत्ता मारू हादसा ट्रायल ऑफ दी भगत सिंह दिल्ली लाहौर कॉन्स्परेसी आप अपना आंसर मांग कीजिए इसका बी आंसर करेक्ट है कोमागत्ता मारू सिप वाज कैरिंग कोमागत्ता क्या है सिप का नाम है कोमागत्ता मारू सिप का नाम है मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ जैसे कोमागत्ता मारू सिप था यहाँ से इंडियन इ लीगल रस्ते से जाना जानते थे कनाडा काम करने के लिए जैसे आज के टाइम में भी जाते हैं इ लीगल रूट से भी तो सिप से जा रहे थे जिसका नाम था कोमागत्ता मारूल यहाँ पर इंडिया में पोर्ट से चले हुए वे और वैनकोवर जगह है कनाडा की वहाँ पे जाना चाहते थे पर वैनकोवर पे पहले से ही पता चल गया उनको कि इंडिया से थ्री सेवेंटी सिक्स तीन सौ छिहत्तर आदमी आ रहे हैं पैसेंजर बन के उनको वहाँ पे पोर्ट पर उतरने नहीं दिया तो उसके लिए एक कमेटी बनाई थी कि भाई उनको उस फैसिलिटी मिले वहाँ पे बच्चों उनको इलीगल वे से जो जा रहे हैं उनको खाना सेल्टर वगैरह दे के वापिस भेजा दे अच्छी इजत से बट उन्होंने क्या है उनको उतरने नहीं दिया वहाँ पे कोमगत तमारू पोर्ट ओ सॉरी वेनकवर पोर्ट पे कोमगत तमारू को वापस भेज दिया और इंडिया में जब वो बंगाल में पहुँचे वापस उनको वहाँ उतरने नहीं दिया गया तो इंडिया में पहुँचने के बाद बज बज जंग नाम है बज बज नाम है जगह का बज बज ट्रेजडी बोलते हैं तो उन बंदों पर फायरिंग होनी स्टार्ट हो गई अंग्रेज़ों के द्वारा और उनमें से बहुत सारे आदमी मर गए तो उसी चीज़ के लिए क्या था ये ये कमेटी बनी थी इनका इनमें कौन लीडर थे मेन 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 लीडर थे हुसैन रहीम बलवंत सिंह एंड सोहनलाल पाठक ये नाम हमें याद रखना है हुसैन रहीम बलवंत सिंह एंड सोहन लाल पाठक इनके अंडर क्या है एक कमेटी बनाई गई थी जिसको क्या है मतलब इनके इंसिडेंट में पूरा इंक्वायरी करने के लिए और उनको वहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यही हमें एक बनाई गई थी कमेटी तो इसका नाम बी है तो ये आपका कोमगत्ता मारू इंसिडेंट से रिलेटेड है पूरा शोर कमेटी शोर कमेटी नाम है इसका और जिसमें हुसैन और बलमन सिंह थर्ड बंदा एक और थे तो इनका क्या है हमें याद रखना है कि शोर कमेटी क्या थी जो वहाँ पे सिप पे बंदे उतरने दिए वैनकुवर जंग का नाम था और यही इस पूरा चीज़ में लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज मतलब क्रांतिकारी एक्टिविटी कैरिड आउट बाय अब्रोड बाय द इंडियंस ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ सेंचुरी मतलब एक सेंचुरी सौ साल का पहला क्वार्टर लगाओ तो मतलब 1925 तक क्या है कौन सी दी फोनिंग उसके बारे में एक्टिविटी के बारे में बताया गया युगान्तर आश्रम बाय द राइट्स इन वैनकोवर कनाडा वैनकोवर वही जगह है जहाँ पे कोमागत्ता मारू शिप को उतरने नहीं दिया था आदमी को थ्री सेवेंटी सिक्स को तो युगान्तर आश्रम बनाया था क्या वहाँ पर राइट जो गदर पार्टी के थे उन, उनके द्वारा राइट्स बोलते हैं सेकेंड वन इज तारकनाथ दास स्टार्टेड इन न्यूज़ पेपर फ्री हिंदुस्तान विद द रिवोल्यूशनरी नेशनली टोन जो तारकनाथ दास थे क्या इन्होंने न्यूज़ पेपर फ्री हिंदुस्तान एक रिवोल्यूशनरी नेशनलिटी टोन जो राष्ट्रीय क्रांतिकारी राष्ट्रीयता टोन के थ्रू बनाया था क्या थर्ड वन है द फर्स्ट इशू ऑफ द न्यूज़पेपर द गदर वाज पब्लिश इन गुरुमुखी तो गदर न्यूज़पेपर क्या पहले गुरुमुखी जो में पब्लिश हुआ था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर माफ कीजिए ए है फर्स्ट ओनली बी है सेकेंड ओनली सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इसका सोल्यूशन बी है युगांतर आश्रम युगान्तर आश्रम आश्रम वॉज नोट सेटअप बाय द गदराइट्स लाइक भाई परमानंद और सोहन सिंह भाखना और हरनाम नाम सिंह इट इस इट्स क्वार्टर वॉज इन देंट फ्रांसको नॉट इन वैनकवर तो जो गदराइट गदर पार्टी के थे इनका नाम है भाई परमानंद सोहन सिंह भाखना एंड हरनाम सिंह तो आप याद रख सकते हैं भाखना छोड़ दो नहीं याद रहेगा तो हर नाम सोहन आपके किसी फ्रेंड का होगा ऐसे याद रखें भाई परमानंद तो ये गदराइट्स पार्टी के थे और इनकी क्वार्टर कहाँ था सैन फ्रांसिस्को में था गदर इसका सेकंड है तारकनाथ दास एन इंडियन स्टूडेंट स्टार्टड ए न्यूज़ पेपर तारक दास इंडियन स्टूडेंट थे न्यूज़ पेपर स्टार्ट कर दिया फ्री इंडियन इन वैनकोवर विच एडोप्टिड ए रिश्न नेशनलिस्ट टोन फिर राष्ट्रीयता की टोन ले ली उसने बाहर रहने वाले बच्चे भी मतलब तारकनाथ जो बाहर रहते थे वैनकोवर कनाडा में तो उन्होंने ही लिखना स्टार्ट कर दिया उसने नेशनलिस्ट टोन रिवोल्यूशन की ले ली थी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ए वीकली न्यूज़पेपर द गदर वाज स्टार्टिंग इन 1933. तो एक गदर न्यूज़पेपर था वीकली न्यूज़पेपर. पेपर 1913 में स्टार्ट हो गया फर्स्ट नवंबर नाइनटीन थर्टीन इट्स फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश इन दी उर्दू एंड लेटर ऑन दिसम्बर इट्स गुरुमुखी एडिशन वाज पब्लिश तो उन्नीस में आपका वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गया था ये वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गया था नाइनटीन में उसके बाद पहला तो इसका एडिशन क्या उर्दू लैंग्वेज में हुआ उसके बाद गुरुमुखी में था इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेटमेंट दी हुई है क्योंकि कोर्ट अनकोर्ट लगाया हुआ है तो इसमें पूछा गया कि भाई ये स्टेटमेंट कौन से न्यूज़पेपर में लिखी गई थी मतलब तीस करोड़ आदमी हैं इंडिया में रह रहे हैं और उनके साठ करोड़ हाथ हो गए और फिर भी वो ऑपरेशन में रह रहे हैं स्टॉप दिस कर्स ऑफ द ऑपरेशन उनको साठ करोड़ हाथों को ऑपरेशन का अभी शबिश को रोकना चाहिए फोर मस्ट स्टॉप बाय फोर्स फोर्स के द्वारा विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर पब्लिश तो ये किस असोल्ट ऑन दी पीसफुल बारह साल कॉन्फ्रेंस इन दी नाइनटीन सिक्सटी साल बंगाल में जगह का नाम था उन्नीस में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर बताया गया कि ये किस न्यूज़ में ये बात लिखी गई थी तो आप अपना आंसर माफ कीजिए ये मैं बता देता हूँ बंगाली में बंगाली न्यूज़पेपर में भारत मित्र में संजीवनी में डी है युगंत्र में तो कौन से में ये लिखी गई थी इसका आंसर डी है युगान्तर न्यूज़पेपर में लिखी गई थी ये बात कि तीस करोड़ आदमी हैं और साठ करोड़ हाथ हैं हमें फोर्स से उनको भगा देना चाहिए बारह साल में जो पीस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे इतनी बड़ा कांड हुआ था द ब्रिटिशर कंसिडर द सॉन्ग द वर्ड्स वंदे मातरम सेडिटियस मतलब वंदे मातरम को वो मतलब ये सेडिटियस मानते थे कि ये देश के खिलाफ है राष्ट्रीयता के खिलाफ है

कंसी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया फोरेक्स रिजर्व फोरेक्स रिजर्व होता है जैसे आर के पास पैसा रहता है फोरेक्स करेंसी जिसको हम इमरजेंसी यूटिलाइजेशन करते हैं उसके बारे में स्टेटमेंट है इंडिया हैज ए रिसेटली सरपास्ट चाइना फोरेक्स रिजर्व टू बिकम द कंट्री विथ द फोर्थ लार्जेस्ट फोरेक्स रिजर्व इन द मार्च ट्वेंटी वन तो इंडिया क्या रिसेंटली फोर्थ नंबर पर आ गया क्या चाइना को क्रॉस करके दो हजार इक्कीस मार्च में सेकेंड है एज ऑफ मार्च 2021 इंडिया करंट फोर रिजर्व आर इनफ टू कवर वीक तीन वीक का इंपोर्ट करने के लिए काफ़ी है क्या है मार्च के 2021 में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपन आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट ओनली बी है सेकेंड ओनली सी है दोनों ठीक हैं डी है दोनों गलत हैं तो इसका सोल्यूशन डी है दोनों ही गलत हैं इसके क्यों क्योंकि जो फोर रिजर्व क्या होता है इंडिया फोर्थ नंबर पे आया इंडिया फोर एक्सचेंज रिजर्व सरपास रसिया टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड मार्च टू तो फोर्थ रसिया बन रहा था उसको भी सरपास्ट कर दिया चाइना हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व चाइना में लार्जेस्ट रिजर्व है फॉलोड बाई जापान थर्ड स्विट्जरलैंड फोर्थ इंडिया होगा तो फोर रिजर्व इंडिया का फोर्थ नंबर है पहला चाइना के पास दूसरा जापान के पास तीसरा स्विट्जरलैंड के पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व इनके पास ज़्यादा है पहले रसिया था उसको क्रॉस हमने कर दिया है फोर्थ नंबर पे हम आ गए एज ऑफ द मार्च 2021 इंडिया फॉरेक्स रिजर्व नियर अबाउट द 18 मंथ्स 18 मंथ्स का इंपोर्ट हमें बियर करने का अपने पास इतना पैसा है आर में कि हम अठारह मंथ का इम्पोर्ट्स कर सकते हैं उस पैसे से और ये जो तीन वीक की सिचुएशन है वो नाइनटीन में आई थी जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था उन्नीस में तब हमने आईएमएफ से जाके गोल्ड अपने मोर्डगेज में रख के तब लोन लिया था उस टाइम पे अपने मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे एटीनथ क्वेश्चन देखते हैं विद रेफरेंस टू द इंडियन इंट्रीम गवर्नमेंट ऑफ नाइनटीन फोर्टी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया इसलिए मैंने हाईलाइट किया है आप इनको क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट करने से पहले नोट इन करेक्ट ओनली वर्ड को जो एक्सट्रीम वर्ड है उनको आपको टिक कर लेना है पहले से क्योंकि क्वेश्चन क्यों का आंसर देने में इजी रहेगा याद रहेगा आपको तो इंट्रीम गवर्नमेंट है मतलब अब आज भी बनती है कम टाइम के लिए इंट्रीम गवर्नमेंट बनती है जो अंतराल के लिए कि भाई जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती इंट्रीम गवर्नमेंट बनती है तो उसके बारे में स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा गया है वायस राय वेवल कॉन्स्टिट्यूट एंड इंडियम इंडियन इंट्रीम गवर्नमेंट एज पर हिज वेवल प्लान इन द शिमला कॉन्फ्रेंस शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या उन्होंने वेवल प्लान के थ्रू इंट्रीम गवर्नमेंट बनाई थी वायसराय वेवल नाम रहे सेकेंड है मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंट्रीम गवर्नमेंट मुस्लिम लीग ने इंट्रीम गवर्नमेंट ज्वाइन किया था थर्ड है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज पार्ट ऑफ द कैबिनेट ऑफ द इंट्रीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट में क्या बी आर अम्बेडकर भी थे इंट्रीम गवर्नमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट एंड सेकंड बी है सेकेंड एंड थर्ड सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो इसका सोल्यूशन सी है इंट्रीम गवर्नमेंट के बारे में इंट्रीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो नोन एज प्रोविजनल गवर्नमेंट प्रोविजनल जैसे सर्टिफिकेट होता है वैसे ही आप याद रख सकते हैं कि छोटे टाइम के लिए जब तक आपके पास मेन डिग्री नहीं थी तब तक हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चलाते हैं वही प्रोविजनल गवर्नमेंट है तब तक मेन गवर्नमेंट नहीं आती आप जो थोड़े ट्रांजिटरी पीरियड के लिए या फुगाशियस पीरियड के लिए आपको गवर्नमेंट यूज होती है उसको प्रोविजनल गवर्नमेंट बोलते हैं इंट्रीम गवर्नमेंट बोलते हैं सेकेंड सेप्टेम्बर नाइनटीन जो हमारा देश उन्नीस में आज़ाद हुआ था उससे पहले तो नाइनटीन में सेकेंड सेप्टेम्बर को हमने सरकार बना ली थी इंट्रीम गवर्नमेंट तो द टास्क ऑफ द असिस्टिंग द ब्रिटिश इंडिया तो इंडिपेंडेंस मतलब ट्रांजिशन पावर का ट्रांजिशन करना ही इसका टास्क था फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्यों इनकरेक्ट है द मैनेज टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंट्रीम गवर्नमेंट विदाउट मुस्लिम लीग तो इन्होंने क्या किया कि इंट्रीम गवर्नमेंट बनाई विदाउट द मुस्लिम मुस्लिम लीग का पार्टिसिपेशन नहीं था वाइस राय कांग्रेस डोमिनेटेड गवर्नमेंट वाज सोन इन दिख कांग्रेस का डोमिनेशन था उस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बेस्ड ऑन द कैबिनेट मिशन प्लान नोट एज पर देवल प्लान तो ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू उन्होंने कसम ली थी ना कि नोट पर देवल प्लान गीवन बाई दि बाराइन दी शिमला कॉन्फ्रेंस नाइनटीन 1945 फाइव प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में दिया गया था बट इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू कसम ली थी, 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 थी वहां पर सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है थ्रू द मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू ए पार्ट ऑफ द इंडियम गोवर्मेंट मुस्लिम लीग ने क्या है दो सॉरी थ्रू दो है दो द मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू पार्ट ऑफ द इंसिस्टिंग ऑफ दियर डिमांड ऑफ ए सेपरेट नेशन बट इट इवेंचुअली बिकमार्ट बन गए थे अक्टूबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द इंट्रीम गवर्मेंट ये इंट्रीम गवर्नमेंट के मेंबर नहीं है बट लेटर ज्वाइन एज ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिचुएंट असेंबली में ही वॉज अपॉइंटेड एज ए इंडिया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ द जवाहरलाल नेहरू इन द फर्स्ट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट इन इंडिया बाद में इनको ज्वाइन करवाया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ये लॉ मिनिस्टर थे फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाइनटीन क्वेश्चन विद विद रिस्पेक्ट टू द मैडम बिका कामा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट पूछा गया है सी वाज द फर्स्ट पर्सन सी वाज द फर्स्ट पर्सन टू हो एस इंडियन फ्लैग ऑन द फॉरन सुन इन द फ्रांस क्या फ्रांस में उन्होंने पहला झंडा फहराया था मैडम बिकाजी कामा सेकेंड है सी को फाउंडेड द पेरिस इंडियन सोसाइटी उन्होंने को फाउंड किया था पेरिस इंडियन सोसाइटी कौन सा आंसर करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट ओनली बी है सेकेंड ओनली सी है दोनों ठीक है डी है दोनों गलत हैं इसका सोल्यूशन ए है फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इन नाइनटीन जीरो सेवन एंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दूट गार्ट जंग का नाम है जर्मनी में स्टूट गार्ट मैडम बिकाजी कामा बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू वॉश द इंडियन फ्लैग ऑन द फॉरन सोइल फॉरेन सोयल तो है पर जर्मनी में फहराया था उन्नीस में भिकाजी कामा ने तो मैडम भिकाजी कामा अलोंग विद दी सिंह ये रेवा भाई राणा एंड मुंशेर साहब बुरोर जी गोदरेज को फाउंडेड मतलब इनका गोदरेज सरनेम है गोदरेज की अलमारी आती हैं ये बहुत ही बड़े मतलब एमिनेंट पर्सनैलिटी थे उनसे ही हम याद रख सकते हैं गोदरेज की अलमारी भी आती हैं मैडम भिकाजी कामा और रेवा भाई राणा और मुंचरेज बुरुरजी गोदरेज फो फाउंडेड द पेरिस इंडियन सोसाइटी इन नाइनटीन जीरो फाइव इट वॉज स्टार्टेड एज ए ब्रांच ऑफ द इंडियन होम रूल सोसाइटी फाउंडेड बाई द श्यामा कर्सना वर्मा टू दिस क्योर होम रूल फॉर द इंडिया एंड कैरी आउट प्रोपेगेंडा टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव तो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस ऑब्जेक्टिव को जैसे होम रूल लीग सोसाइटी को ही इनका एक नेक्स्ट वर्जन था एडिशनल इन्सन सी रोट बंदे मातरम इन रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश बैन ऑन पोएम एंड मैडन तलवार इन रिस्पॉन्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द मदन लाल ढिंगरा तो मदन तलवार और वंदे मातरम लिखा था मैडम जी भी का काम है क्योंकि वंदे मातरम को बहन कर नहीं बोल रही थी उन्होंने दोबारा से लिख दिया था लिव्ड स्टेटमेंट दिया द प्रिसी किंगडम ऑफ द कौर इन द अर्ली डिकेट्स ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी फाउंडेड सामंतो समाजन समतो समाजन वन ऑफ द अर्ली सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन नाइन एटीन थर्टी सिक्स ही गेव द मोटो वन कास्ट वन रिलीजन वन क्लैन वन वर्ल्ड वन गोड ये बातें किस के बारे में लिखी गई हैं जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स बनाए थे समतो समाजन बना था उन्नीस सौ सेंचुरी में अर्ली उन्नीस सौ सेंचुरी में और एक गोड एक भगवान एक जाति बताया गया कौन किसके बारे में, स्टेट में है. ये स्टेटमेंट लिखी गई है ए है के केलपन बी है अय्या वैकुंडा स्वामिकल सी है पेरियार ई वी रामा और डी है बसावना तो इसका सॉल्यूशन बी है क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या है अपने पीएम ने हैज पेड द रिस्पेक्ट टू द अय्या वैकुंडा स्वामी कल ऑन हिज बर्थडे एनिवर्सरी दैट ट्वेल्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बारह मार्च दो हज़ार इक्कीस को उन्होंने ट्रिब्यूट पेड किया था तो अय्या वैकुंडा स्वामी कल नाम है इनका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इनके बारे में पढ़ लेते हैं के केलपन कौन थे ये वाजे इंडियन पॉलिटिशियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे एजुकेशनलिस्ट थे, एजुकेशन थे एंड जर्नलिस्ट थे ही फोर्ट रिल लगातार अगेंस्ट दी अनटचेबिलिटी एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के केलापन नाम था इनका द समाजन वाज नॉट ये इन्होंने फाउंड नहीं किया ये इसलिए ये इनकरेक्ट है बी स्टेटमेंट करेक्ट है अय्या वैकुंडा स्वामी कल वाज द ग्रेट थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी ही लीवुड इन द प्रिस किंगडम ऑफ त्रानो त्रावन कोर में थे इन द डिक्स ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी ही फाउंडेड समातो समाजन समातो समतो समाजन इन्होंने बनाया वन ऑफ द अर्ली सोशल रिफॉर्म इन एटीन थर्टी सिक्स ही वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द न्यू पार्थ ऑफ द स्परिचुअल थाट्स नेम्ड एट अया वजही अय्या वजह के भी ये स्परिचुअल थाट्स के प्रोपोनेंट थे एक्सपोनेंट एंड ही गेव ए मोटो वन कास्ट वन रिलीजन वन क्लैन वन वर्ल्ड वन गोड सब एक है मतलब सी इनकरेक्ट है पेरियार ई रामास्वामी वाज अ इंडियन सोशलिस्ट एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन थे हु स्टार्टेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार ई रामास्वामी से याद रखते सेल्फ रिस्पेक्ट ही वाज बोर्न इन 1879 मतलब लास्ट डिकेड में 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में नहीं थे ई वी रामास्वामी बसावना क्या थे लिंग्यात के लीडर थे ही इज फ्रॉम द कर्नाटका नॉट केरला ये कर्नाटका से थे बसावना लिंगायत के ये लीडर थे ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है दैट इज ऑल फॉर टुडे आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चन एंड प्लीज शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स बिकॉज दैट इज टोटली पेड कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग विद इन दी फ्री अमाउंट एंड इट कैन बी प्रोपीचर्स फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट बाय